हे गाइस, तो मार्वल स्टूडियोज के से एक टीजर ट्रेलर आया है, वो है कैप्टन अमेरिका 4 यानी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसका कि फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में मैं इसे टीजर का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। फटाफट से सारी डिटेल्स बताता हूँ, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सैम आता है थंडरबोल्ट रॉस से मिलने। अब थंडरबोल्ट रॉस जो है वो टाइम व्हाइट हाउस के अंदर है, जो बेसिकली इस पूरी फिल्म में थंडरबोल्ट रॉस है। व्हाइट हाउस के अंदर एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट आएगा, एज अ प्रेसिडेंट जो इलेक्शन वो जीतने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि पूरी मूवी के दौरान हमें उसका पावर राइज देखने को मिलेगा। और वो किसी टाइम पे एक मिलिट्री जनरल था और अब वो प्रेसिडेंट बनने वाला है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको प्ले कर रहे मिस्टर हैरिसन फोर्ड। इसका रीज़न ये है कि विलियम हार्ट जो एक्चुअल में इस रोल को प्ले करते थे थंडरबोल्ट रॉस का, जिन्हें हमें आयरन मैन मूवी, हल्क मूवी, सिविल वॉर से लेकर एंड गेम तक देखा है, अब उनकी डेथ हो चुकी है तो अब वो इसे प्ले नहीं कर सकते, इसीलिए अब इनको रिप्लेस करने के लिए थंडरबोल्ट रॉस आए हैं। फिर हमें देखने मिलता है जो हमारा प्रेसिडेंट रॉस है, वो सैम को समझाता है कि देखो भाई, पुराने टाइम में भले ही हमारे बीच थोड़ी अनबन रही हो, पर अब मैं कैप्टन अमेरिका को दोबारा देखना चाहता हूँ। यहाँ पता है सैम के लिए एक बहुत बड़ी बात आ गई थी, क्योंकि सिविल वॉर के अंदर जो मेंटर था यानी स्टीव रोजर्स, उसके साथ में जो हमारा विलियम हार्ट यानी थंडरबोल्ट रॉस ने बहुत बड़ा धोखा किया था और किसी तरह से अपने हाथ में सारी चीज़ें रखना चाहता था। यह बात हम सब जानते हैं कि सिविल वॉर का आउटकम क्या हुआ था, दो टीमें बन गई और किसी ने भी विलियम हार्ट की बात नहीं मानी। तो यहाँ पर अब हमसे वही सैम के पास अब एक चॉइस आई है कि आप मुझे अगेन वही से कंट्रोल, इसके हाथ में कंट्रोल जो मेरे हाथ में है इसे दे देना चाहिए। तो वहाँ पे ये थोड़ा सा सोच रहा है। इस दौरान हमें दो तीन सीन दिखाए जाते हैं जो स्पेशली व्हाइट हाउस पर किसी ने हमला किया है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो हम स्क्रीन पर JPN और बाद में हमें कुछ फ्लाइंग जेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। आई थिंक JPN का मतलब जापान हो सकता है। और हमें यहाँ पर देखने को भी मिलता है जापनीज सिंबल, यानी जो जापनीज लैंग्वेज का सिंबल यानी जापान की लैंग्वेज में सिंबल तो है। इसका मतलब यह है कि व्हाइट हाउस के ऊपर जापान ने यहाँ पर हमला किया, क्यों किया ये पता नहीं, ये तो मूवी देख कर ही पता चलेगा। फिर अगले शॉट में सैम कहता है कि अगर हम दोनों एग्री ना करें तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली आप ये बात जानते हैं कि सैम जो है पिछली बार काफी पावरफुल था, क्योंकि उसके साथ कैप्टन अमेरिका और बहुत बड़ी टीम भी थी थंडरबोल्ट रॉस, जो उसके सामने कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार थंडरबोल्ट रॉस जो है वो पूरी तैयारी के साथ आया है और यहाँ ये बात जानता है कि अगर सैम मेरे साथ काम करेगा तो उसके लिए अच्छा ही होगा, और अगर वो मेरे साथ काम नहीं करेगा तो उसके पास ऑलरेडी कंटिनेंट प्लान है। पिछली बार तो उसने कहा था कि सारे एवेंजर्स को काबू में करना चाहता हूँ, और जहाँ पर मैं बोलूँगा, जहाँ पर गवर्नमेंट बोलेगी, वहाँ पर तुम जाना और वहाँ पर अपने सर्विसेज को ओपन करना। लेकिन हमें पता है कि सिविल वॉर के बाद जितने भी मूवीज आई है उनमें थंडरबोल्ट रॉस के बाद को किसी ने भी नहीं माना, तो थंडरबोल्ट रॉस जो है वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह करेगा और बनेगा रेड हल्क, जो आने वाले सीजन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। फिर हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर रॉस के ऊपर हमला हो जाता है और उन पर हमला किया है आइसम ब्रैंडली ने। आइसम ब्रैंडली को हमने फाल्कन एंड विंटर सोल्जर के अंदर देखा है, जो 2021 में आई थी, जिसको 3 साल हो चुके हैं। जिन्हें याद नहीं होने में याद दिला दूं, वो एक्चुअल में ब्लैक कैप्टन अमेरिका है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीनों वहाँ पर बैठे हैं, सैम विल्सन और टोरस, जो कि नया फाल्कन बनने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे और आइसा ब्रैंडली उठता है और उसके सिक्योरिटी पे हमला करता है और प्रेसिडेंट रॉस के ऊपर गोली मारने की कोशिश करता है। वो सराउंडेड है इसलिए वो बच जाता है। यहाँ पर यह बात आती है कि ब्रैंडली को अचानक क्या हुआ जो उसने एकदम से उठकर हमला कर दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फिर से हम रॉस के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे इनर सर्कल जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम पर हमला करवाया है। इसके बाद हमें दो तीन शॉट दिखाए जाते हैं जहाँ पर टोरस उसके साथ है और वो किसी लैब में जा रहे हैं। अब ये जो लैब है ये लीडर की लैब होने वाली है और लीडर जो है वो इस मूवी का मेजर विलन तो नहीं बट वन ऑफ द विलन होने वाला है। वेल, इस फिल्म में हमें मल्टीपल विलन भी देख सकते हैं, जिसमें सरपट सोसाइटी और हमारा लीडर और साथ ही साथ रेड हल्क भी देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हमें दो तीन शॉट दिखाए जाते हैं जिसमें सैम, उसने अपनी यूनिफॉर्म पहन रखी है और वो मिलिट्री वाले बंदों से फाइट कर रहा है।
अब ये मिलिट्री वाले कौन है, क्या ये रॉस का पर्सनल मिलिट्री है वो पता नहीं, कहाँ के मिलिट्री है वो पता नहीं, पर एक बात क्लियर है कि जहाँ पर भी ये लड़ रहा है वहाँ पर वेलकम नहीं है। और यह ऑफिसली सिविल वॉर के बाद सैम कहीं भी जाएगा तो वेलकम नहीं किया जाएगा। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर पिंक फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर एंड की फाइट होने वाली है। हम देख सकते हैं कि सैम ने अपने शील्ड को उठाता है और हमें रेड हल्क देखने को मिलता है। यहाँ पर जो फाइट हो रही है वो जापान के अंदर हो रही है क्योंकि ऐसे पिंक फ्लावर जापान में ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं। जहाँ पर हमें पता चला था कि व्हाइट हाउस के ऊपर जापान हमला कर रहा है, तो यह पॉसिबल है कि इस मूवी की एंडिंग जापान में ही हो। फिर हमें कुछ शॉट दिखाई जाते हैं, एक तरफ फाल्कन है जो उड़ रहा है, यानी हमारा सैम उड़ रहा है, और टोरस ने भी अपना सूट पहन रखा है जो आप इस शॉट में देख सकते हैं। लेफ्ट में फाल्कन है और राइट में टोरस है जो कि नया फाल्कन बनने वाला है। कुछ लास्ट के सीन में दिखाया जाता है कि फीमेल सिक्योरिटीज पर एक बात जो कि मुझे ट्रेलर में दिखी नहीं वो है बक्की यानी विंटर सोल्जर। इस पूरे ट्रेलर में मुझे कहीं नहीं दिखा, क्या वो इस फिल्म में होने वाला है? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बता सकते हो। अगर मुझसे कोई डिटेल्स रह जाती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।